ये जो मुसलमान रिक्शे वाला है या जिसकी पंक्चर लगाने की दुकान है वो बड़ा खुश है कि मेरे बाप दादा ऐसे थे, ये सब वो ये नहीं जानता कि उसका परदादा भी पंक्चर ही लगाता था। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिएक्शन कुड़ी चैनल। दोस्तों, हमारे देश में आजकल आपको एक चीज सुनने को बहुत मिल रहा होगा, जब भी किसी मुसलमान के बारे में बात करते हैं कहीं पे और खास तौर पर अंधभक्त और गोदी मीडिया टाइप्स के लोग, तो वो मुसलमान को पंक्चर छाप कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो पंक्चर छाप वर्ड आया है, ये एक दो लोगों ने वायरल किया मुसलमानों के बारे में बकवास कर कि मुसलमान ही सिर्फ पंक्चर छाप होते हैं, बल्कि असल में तो दूसरे धर्म के लोग भी बहुत सारे पंक्चर छाप होते हैं और ये कोई गलत शब्द नहीं है। पर आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जिस शख्स की, वो नाम से तो मुसलमान है और आप भी उनसे बाखूबी वाकिफ हो, पर ये लोग सब सिर्फ नाम के मुस्लिम हैं। असल में तो ये तो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। बात कर रही हूँ जावेद अख्तर के बारे में। एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसका ये वीडियो, जहाँ पर ये दावा कर रहा है कि मुसलमान सिर्फ पंक्चर छाप अब से नहीं बल्कि बाप दादा के टाइम से है और एक तरह से बेइज्जती ही कर रहा है मुसलमानों का। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग दो तरह के शक्ल के होते हैं। अपने फायदे के लिए जब मूवीज रिलीज हो रही हो तब मुसलमानों का साथ ले लो, और फिर जब मूवीज खत्म तब मुसलमानों के बारे में गलत शलत बको, और ये अपने आप को ऐसे बकवास करके लिबरल सोचते हैं। बल्कि बता दे, असल लिबरल सेक्युलर इंसान तो वो होगा जो अपने धर्म की इज्जत करे, अपने भाई बहनों की इज्जत करे और साथ ही साथ दूसरे मजहब की भी इज्जत करे और उनको फॉलो करने वालों की भी। ये ऐसा शख्स है जावेद अख्तर, कल को बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, अंधभक्तों के खिलाफ बोलेगा मुस्लिम का सपोर्ट लेने के लिए, और दूसरे पल मुसलमानों के ही खिलाफ बोलेगा। आप ऐसे लोगों से बचे, इस वीडियो को आखिर तक देखे और हर जगह जरूर उसे शेयर करें ताकि सबको जावेद अख्तर की सच्चाई पता चल सके। ये जो मुसलमान रिक्शे वाला है या जिसकी पंक्चर लगाने की दुकान है वो बड़ा खुश है कि मेरे बाप दादा ऐसे थे, ये सब वो ये नहीं जानता कि उसका परदादा भी पंक्चर ही लगाता था, वो समझ रहा है कि मैं इनकी औलाद। अब कमाल ये है कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये भारत से आए हैं, ये इन्वेडर की औलाद है, ये झूठ बोलते हैं, हाँ जी हम तो इन्वेडर की औलाद है। ये जो फिल्में हैं मेरे महबूब और इस तरह की फिल्में, चौधरी का चांद, ये वो, एक्चुअली ये मुस्लिम सोशल कहलाती थी। ये क्यों, मतलब सोशल क्यों कहलाती थी मुझे पता नहीं। इनका नाम होना चाहिए था मुस्लिम वेस्टर्न, एंड आई विल टेल यू व्हाई। जैसे कि जो वेस्टर्न मूवीज़ होती हैं, जो काउबॉयज की होती हैं, काउबॉय ज़रूर होते थे वो गवाले जो गाय भैंस पालते थे, लेकिन ये गन स्लिंगर और वन स्ट्रीट टाउन जिसमें एक बार है जिसमें गन स्लिंगर खड़ा है और गोली ऐसे ने, ऐसा कभी नहीं था। उसी तरह से ये, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैंने आज तक कोई मुसलमान लड़का लड़की नहीं देखी जो अपने बाप को अब्बा हुजूर कहता हो, मैंने तो नहीं देखा। ये बनाया हुआ है। अच्छा हाँ, और ये एक मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, ऐसी खुशी लेके आया ईद का, और नाच रही है लड़की, इसका बाप इसकी टांगें तोड़ देता। तो ये सब ये बनाई हुई है। अच्छा है क्या, कमाल की बात ये है कि इसमें सबको आराम हो गया। ये जो मुसलमान रिक्शे वाला है या जिसकी पंक्चर लगाने की दुकान है वो बड़ा खुश है कि मेरे बाप दादा ऐसे थे, ये सब वो ये नहीं जानता कि उसका परदादा भी पंक्चर ही लगाता था, वो समझ रहा है कि मैं इनकी औलाद हूँ। और बाकी लोग जो हैं जो मुसलमान नहीं है वो भी कहते देखो मुसलमान हो तो ऐसा हो यार। अब ये हमारा पड़ोसी जो है वो पंक्चर लगाता है, वो कोई मुसलमान है? असल में तो ये है, तो अब ये तय हो चुका है फिल्मों में कि अगर आप मुसलमान हैं तो या तो आप शायर होंगे या नवाब होंगे, आपके घर में वो लगे होंगे चैंडलियर, और चिक के पीछे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की खड़ी होगी, सारी मुसलमान लड़कियाँ साधना की शक्ल की होती हैं। अच्छा, तो ये जो मिथ है ये इसका क्रिएट किया हुआ है। अब शुक्र है अब कुछ मुसलमान टेररिस्ट भी दिखाए जाते हैं, तो अब ये कम से कम नवाबी तो गई। तो ये हाल है, ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में कोई मेरे ख्याल से 14-15% मुसलमान है, और हिंदुस्तान के 50% से ऊपर आर्टिसन जो हैं वो मुसलमान हैं, और ये सब कौन, नवाबों की औलादे और बादशाहों की औलादे तो है नहीं। तो ये कौन लोग हैं, इतने आर्टिसन क्यों हैं मुसलमान? उसकी वजह ये है कि आर्टिसन एन ब्लॉक मुसलमान हो गए थे, तो ये उल्टा हो रहा है। और अब क्योंकि वो बैकवर्ड क्लासेस के थे, जो सो कॉल्ड बैकवर्ड और सो कॉल्ड छोटी जातों के थे, तो उन्होंने सबने अपना अपना शजरा लिख लिया,
अपना उन्होंने फैमिली ट्री बना लिया कि सब के सब जो है फरगाना से और समरकंद से आए। अब कमाल यह है कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये बाहर से आए हैं, ये इन्वेडर की औलाद है, ये झूठ बोलते हैं, हाँ जी हम तो इन्वेडर की औलाद है, इसलिए कि उनको अपनी जात छुपानी है। तो ये सब बड़े कन्फ्यूज टॉपिक हैं, और जो फिल्मों में खासतौर से कमर्शियल फिल्मों में जो इमेजेस बनाई गई हैं वो रियल नहीं है। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।